डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि घरों में खुद जमीन के नीचे से ही वो एक सिस्टम होता है, बोरिंग वो करा देते हैं। आप वाटर बोरिंग की बात कर रहे हैं। जी, तो हाँ, वो किस एरिया में होना चाहिए? जी, जब हम पानी के सोर्स की बात करते हैं कि नेचुरल पानी का सोर्स कहाँ पे होना चाहिए, तो वह नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेहतर माना जाता है। दोस्तों, मैं तीन दिशाएं आपको बताऊंगा। तीनों दिशाओं में अगर आप करते हैं बोरिंग को, तो वह अलग अलग आपको रिजल्ट्स देते हैं। नॉर्थ ईस्ट से अगर पानी निकल रहा है और आपका पूरा घर उस पानी को यूज़ कर रहा है, तो आपको ओवरऑल सुख समृद्धि मिलती है, यानी कि शांति रहती है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। आपका अगर बोरिंग नॉर्थ की दिशा में आ जाता है, तो नॉर्थ कुबेर की दिशा मानी जाती है और नॉर्थ पोल की दिशा मानी जाती है। यहाँ का जो जल आपके घर में आता है, वाटर आपके घर में आता है, इट मेक्स यू प्रॉस्पेरस इन मनी, अबेंडेंस आपके घर में आती है, मनी इनफ्लो होता है। तो आप अगर मनी इनफ्लो चाहते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपको सिर्फ पैसे से प्यार है, तो बिना वजह आप, बिना सोचे आप नॉर्थ में बोरिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या लीडरशिप में हैं, तो आप ईस्ट में बोरिंग करवाइए, क्योंकि इससे मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा, आपको लोग इज्जत बहुत देंगे। पैसे को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि इज्जत के साथ साथ पैसा अपने आप आ जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद नहीं वरिंदर है। जी वरिंदर जी, आई एम वेरी सॉरी, आप सवाल पूछें प्लीज। सर, मेरा ईस्ट की दुकान है फेसिंग जी, और उसमें बुटीक का काम है मेरा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि एनर्जाइजिंग नहीं है, भी काम करने को मन नहीं कर पाता। ओके ओके, देखिए वरिंदर, हम एनर्जीज की बात करते हैं वास्तु के अंदर, और लाइव वास्तु में एनर्जीज को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वहाँ की एनर्जीज को क्लीन करने के लिए आप नमक से पोछा लगाइए, समुद्री नमक से पोछा लगाइए। लाइव वास्तु में एक नमक का हमने रिसर्च करके उसको लाइव वास्तु नमक सॉल्ट का नाम दिया है। इस नमक को अपने नज़दीक रखिए आप, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज, डर्टी एनर्जीज यह नमक एब्जॉर्ब कर सके, और इस नमक को हर हफ्ते आप चेंज करेंगे। उसके बाद अपने शॉप के अंदर आप कुछ इस प्रकार के सफटिक के पत्थर रख सकते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और पीसफुल एनर्जीज देते हैं, शांतिपूर्वक एनर्जीज देते हैं। सिट्रिन का पत्थर आप अपनी कैश ड्रॉअर में रख सकते हैं, ताकि वह वेल्थ को अट्रैक्ट करे। जी,